वाल्मीकि समाज पृथक आरक्षण संघर्ष समिति ने वाल्मीकि समाज का आरक्षण पृथक किए जाने की मांग उठाई। अपनी इस मांग को लेकर संगठन के पदाधिकारी अध्यक्ष सुखवीर सिंह उर्फ पप्पू के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा हुए और अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार नारे बुलंद किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन डीएम की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रीति सिंह को पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति में वाल्मीकि जाति निवास करती है, जो अनुसूचित वर्ग का आरक्षण है। उस आरक्षण का लाभ पूर्ण रूप से वाल्मीकि समाज को नहीं मिल रहा है। एक ही समाज को आरक्षण का लाभ पहुंचाया जा रहा है, वो समाज अब आर्थिक शैक्षिक हर स्तर से मजबूत हो चुका है। जिस उद्देश्य से बाबा भीमराव अंबेडकर ने और पूरी संविधान सभा ने आरक्षण अनुसूचित वर्ग के लिए लागू किया था, उस उद्देश्य के मुताबिक अनुसूचित वर्ग के व्यक्ति सामान्य जीवन से नीचे की स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं। मांग उठाई गई कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित वर्ग के आरक्षण में से अनुसूचित वर्ग में ही आने वाले वाल्मीकि समाज का आरक्षण पृथक किया जाए। जिला अध्यक्ष सुखवीर सिंह उर्फ पप्पू ने बताया, ये है कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर वाल्मीकि समाज है जिनको प्रथम आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा, जो दूसरे जाटो समाज है उनको 95% आरक्षण का लाभ दे रहे हैं। अब हमारी मांग ये है कि हमें जो है वो लोग ये जाट समाज संपन्न भी है, पढ़े लिखे भी हैं, हर डिपार्टमेंट में, लेकिन हम लोगों को इसका पूर्ण रूप से आरक्षण लाभ नहीं मिल पा रहा है। मेरी सरकार से प्रशासन से निवेदन है कि इस आरक्षण को वाल्मीकि समाज का आरक्षण अलग करें। प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष सुखवीर सिंह उर्फ पप्पू के अलावा श्याम चरण, सुरेश नरेश और परमेश्वर आदि मौजूद रहे।